हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ज़ेनिया लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा Instagram हैंडल है ज़ेनिया लाइफ स्टाइल। मैं वहाँ पे फैशन पोस्ट, डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो मुझे Instagram पे फॉलो ज़रूर करें। और आज मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है ये मेकअप लुक, जो मैंने न्यूली वेड्स के लिए क्रिएट किया है। जनरली जब शादी होती है नई नई और हमें रेडी होना पड़ता है तो पार्लर जाना डेली इट्स नॉट पॉसिबल ना, तो इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। और चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे मैंने अपना स्पेक्स उतार लिया है। सबसे पहले मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लूँगी और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मेबलिन का आलिया लव्स, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लिप गार्ड है गाइज, बहुत अच्छा लिप बाम है, तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। देन सबसे अब यहाँ पर मैं अपने फेस को पूरी तरह से प्रेप कर रही हूँ। प्रेप करने के लिए मैंने गुड वाइब का टोनर यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा वाला टोनर है गाइज, बहुत अफोर्डेबल है, मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अभी मैं यहाँ पे बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है। इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इससे हमारा फेस मॉइस्चराइज़ हो जाता है, हमारा जो मेकअप है और जो फेस है वो ड्राई नहीं लगता, पैची नहीं लगता है, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें मेकअप से पहले। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम, और ये बॉम बॉम वाला प्रोडक्ट है गाइज, इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखा है। बहुत बेहतरीन वाला सीरम है, बहुत हाइड्रेटिंग सीरम है, बहुत अच्छा सीरम है, अफोर्डेबल भी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसको मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसे लगाने के बाद आप सब देख सकते हैं मेरा फेस बहुत हेल्दी, ग्लोई और शाइनी लगता है, और ये मेरा फेवरेट वाला प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल गाइस। फाउंडेशन की जगह पर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे सीसी क्रीम, और ये बेस्ट वाला सीसी क्रीम है गाइस। और यहाँ पर मेरा शेड है बेज, और मैं ये क्योंकि यार फाउंडेशन भले किसी के पास हो या ना हो, ये लैक्मे सीसी क्रीम आज के टाइम पे आई होप सबके पास ही होता है, और मैं इसे डॉट डॉट में लगा रही हूँ। आज का जो मेरा ये मेकअप है बहुत कन्वीनियंट है, बजट फ्रेंडली है, और अब हर कोई अचीव कर सकता है इसे। ब्रश की हेल्प से हमें इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने फेस के साथ साथ अपने ईयर, अपने नेक को ज़रूर कवर करें, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट नहीं लगना चाहिए, तो ब्लेंडिंग इज़ वेरी मस्ट। एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस दिखाने का। एज़ यू ऑल कैन सी कि ब्लेंडिंग में मैं सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, अपने नेक को कवर करती हूँ, अपने ईयर्स को कवर करती हूँ, तो दिस इज़ द नेसेसरी स्टेप। अभी आप मेरा फेस देख सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्लॉलेस लग रहा है, मेरा जो बेस है वो ब्लेंडेबल लग रहा है। नाउ हियर आई एम यूजिंग जस्ट लैक्मे रोज़ पाउडर, यार बहुत बेहतरीन वाला रोज़ पाउडर है ये। अगर आप कोई बहुत अच्छा वाला लूज़ पाउडर ढूंढ रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट, हाईली रिकमेंडेड, अफोर्डेबल भी है। और अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, ऑयली नहीं भी है यार, तो भी आप इसे ले लो, बहुत बेहतरीन है ये। मेकअप को मैं इसे सेट कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और ये जो कंसीलर है ये वेट एंड वाइल्ड से है, इसका शेड तो मुझे याद नहीं है गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूंगी। और मैं यहाँ पर अपने लिड पे लगा रही हूँ, जो भी जहाँ जहाँ पे भी डार्केस्ट एरिया होता है वहाँ वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कंसीलर यूज़ कर रही हूँ।
ऐज सच मुझे माशाल्लाह कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर ऐज सच अगर आप लोगों को कोई पिगमेंटेशन है तो आप लोग कंसीलर ज़रूर अप्लाई करें। ब्रश की हेल्प से मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपने कंसीलर को। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूरिंग पैलेट। यार ये बहुत अच्छा वाला कॉन्टूरिंग पैलेट है। इससे एक बनाना शेड ले करके जो पाउडर होता है उससे मैं अपने अंडर आई को बेक कर रही हूँ, एज यू ऑल कैन सी। अपने आईलेट पे भी मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। ये हमारा जो भी कंसीलर था उसको सेट कर देगा और आगे अभी मैं जब आई मेकअप करूँगी तो उसके लिए ये एक बेस प्रिपेयर कर देगा। जब तक ये बेक हो रहा है और मेरा जो ये सेट हो रहा है कंसीलर, तब तक मैं अपने आईब्रोज को कवर कर लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट लिया है। बहुत बढ़िया वाला आईब्रो किट है यार, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी अप्लाई करते हुए देखा होगा। इससे एक डार्केस्ट ब्राउन वाला शेड लेकर के मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ और ये यार गेम चेंजर है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज डिफरेंस दिखता है इसको अप्लाई करने के बाद फेस पे। अभी एक बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो भी मैंने बेकिंग किया था उसे मैं रिमूव कर ले रही हूँ। और यहाँ पर आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड रोज इन द एयर। यार बहुत बढ़िया वाला आई शेडो पैलेट है। बिगनर हो अगर आपने कभी कोई आई शेडो पैलेट नहीं लिया है, जस्ट गो फॉर इट। और यहाँ से मैंने ये ट्रांजिशन शेड पिक किया है और अभी मैं अपना ट्रांजिशन बिल्ड कर लूँगी। साइमल्टेनियसली मैं अपनी दूसरी आईज को भी कवर करती जा रही हूँ। हमें बहुत इजी होना है, बहुत आराम आराम से ब्लेंड करना है, कलर को अप्लाई करना है अपने आईज पर और एक्सेस को टैप ऑफ जरूर कर लेना है गाइज। अभी मैं यहाँ से डार्केस्ट ब्राउन कलर ले रही हूँ, थोड़ा चॉकलेट ब्राउन कलर है, और एक्सेस को टैप ऑफ करके मैं अपने आउटर वी पे इसको प्लेस कर रही हूँ, एज यू ऑल कैन सी। और इसको अपने ट्रांजिशन के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बार बार यही कहती हूँ आप लोगों से, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ब्लेंडिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया करें। अभी मैंने यहाँ पे एक डार्केस्ट बर्गंडी शेड लिया है और इसे भी मैं एक्सेस को टैप ऑफ कर लूंगी और उसके बाद अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी। इससे हमारी आईज बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है गाइज। अभी कि मैं यहाँ पर एक क्लीन ब्रश की हेल्प से जो भी हार्श एजेस हैं और जो लाइंस हैं उन सब को आपस में ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कुछ भी हार्श नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट ब्राउन शेड लिया है और मैं इसे एक फ्लैट टिप ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ।
अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो ये स्टेप आप अपने फिंगर से भी कर सकते हैं गाइस, बहुत आराम से आईलेट पे अप्लाई हो जाता है कलर। जो भी शेड्स मैंने ऊपर अप्लाई करा हैं अपने आईलेट्स पे, उन सारे शेड्स को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ टू जस्ट मेक माय आई लुक बैलेंस। जो भी एक्सेस फॉल आउट हुआ है मेरी आई मेकअप की वजह से, उन सब को मैं ये बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लूँगी। काजल के लिए, आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कोलोसल काजल। ये डार्केस्ट काजल है गाइस, डार्केस्ट ब्लैक है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट काजल है। और अगर मैं इसलिए यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई आईलाइनर नहीं है तो आप लोग काजल से भी एक बहुत अच्छा सा आईलाइनर लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं कोई विंग लाइनर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा मैंने एक बोल्ड आईलाइनर अप्लाई किया है। बहुत कन्वीनियंट होता है यार, बहुत ईजली अप्लाई हो जाता है आपके अपर लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे बहुत ईजली अप्लाई हो जाता है। लोअर लैश लाइन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेसिस कैनेडा ऑल टाइम प्रो आईलाइनर, और ये बहुत बेहतरीन वाला आईलाइनर है गाइस। मैं इसकी डाई हार्ट फैन हूँ और इसके जस्ट पीछे जो है स्मजर मिल जाता है और उसकी हेल्प से आप सब देखेंगे कि मैं अपने लोअर लैश लाइन पे जो मैंने अप्लाई करा है काजल उसको स्मज कर लूँगी टू मेक माय आईज़ मोर बिगर मोर स्मोकी। बहुत ब्यूटीफुल लगती है आईज़। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा और ये बहुत अच्छा वाला मस्कारा है यार। हमारे आई लैशेस को बहुत अच्छे से लेंथन करता है, कर्ल कर देता है और बहुत बहुत आईज़ हमारी इंस्टेंटली बिल्कुल बड़ी लगने लगती है, ओपन अप हो जाती है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का चीकी ग्लो। यार मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना क्यूटेस्ट वाला ब्लश ऑन नहीं देखा यार, ये बहुत ज़्यादा क्यूटेस्ट वाला ब्लश ऑन है और इसका कलर पिगमेंटेशन तो आप सब देख सकते हैं यार, इट्स अ बॉम बॉम वाला प्रोडक्ट। बहुत अच्छा पे ऑफ है इसका और मेरी चीक्स जो है कितनी ज़्यादा पिंकिश लग रही है। और मैं नोज़ पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ यार, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है नोज़ पे अप्लाई करना। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन द शेड प्रीशियस पेटल और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत सारी वीडियोस में मैं इसे पहले भी अप्लाई कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैं ब्लिंगी ब्लिंगी सा नहीं करूँगी, मैंने थोड़ा सा अप्लाई करा और उसको ही स्मच कर रही हूँ। जो भी यूजुअल एरियाज़ होते हैं उन सबको मैं हाईलाइट कर लूँगी। अभी मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हल्का सा हाईलाइट कर ले रही हूँ गाइज़, क्योंकि इससे भी हमारी आईज़ बहुत ब्यूटीफुली बिगड़ लगती है, ओपन अप भी हो जाती है, तो मुझे ये वाला स्टेप भी बहुत अच्छा लगता है। नाउ इट्स द टाइम फॉर द लिप्स और लिप्स के लिए मैं यहाँ पर अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ और लिप लाइनर मैंने यूज़ करा है यार। इससे हमारी लिप्स जो है बहुत फुलर और बिगर लगती है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो करो, इट्स टोटली योर चॉइस। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हिलरी रोडा की ये लिपस्टिक और ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है यार, बॉम बॉम वाली लिपस्टिक है, बेहतरीन वाली शेड है। अगर अभी तक आप लोगों ने हेलवी रोडा सिल्क कोई भी रेंज नहीं यूज़ किया है तो जस्ट गो फॉर इट यार, क्रीमी मैट है, बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पे और कलर तो आप लोग देख ही सकते हैं। एंड नाउ आई एम टोटली डन
और अभी मैं अपना ईयर रिंग डाल रही हूँ और मैं वही ईयर रिंग पहन रही हूँ जो मैंने अपने ईद लुक में पहना था, और यार ये मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। एंड इट्स टोटली डन गाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड या दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। And if you like, share with your friends and family. Don't forget to subscribe. Till then, take care.